जब मैं स्कूल में था तो मेरा मन था आर्मी में जाने का। मैं दो चीज़ें और कर सकता हूँ जिनमें मुझे महारत हासिल है। एक तो मैं खेती कर सकता हूँ और दूसरे मैं ढाबा खोल सकता हूँ और उसका नाम होगा दाल रोटी। नमस्कार, मैं हूँ ओम पुरी, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर अदाकार ओम पुरी। ओम पुरी अपनी शानदार शख्सियत और बुलंद आवाज के दम पर एक्टिंग का एक नया मुहावरा गढ़ने वाले ओम पुरी ने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं क्या पूछ रही हूँ, तेरी शादी नहीं हुई बुड्ढे? हुई तो छिपकली के मुंह फिर तो कुवारा कैसे हुआ? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। वाह वाह, बड़ा कद्दू पे तीर मार लिया तूने। बच्चे टाइम ही कहाँ मिला, मंडप से ही ठेंगा दिखाकर भाग गई। थिएटर से लेकर फिल्मों तक अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाले ओम पुरी सिनेमा को अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम मानते हैं। तुझे मारने का काम बड़ा औखा है, मेरे से संभलेगा नहीं मालूम। हाँ खलवल, उतारने का काम वो तो करते हैं, मारने का काम तो ये पिगरी वाले करते हैं, उनको जांच भी है। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुम्हारे पास क्यों आते? फिर तो काम तुम ही करोगे। उनका मानना है कि फिल्मों के जरिए हम अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ओम पुरी फिल्म और थिएटर को सवाल उठाने वाला एक मंच मानते हैं और तब तक उसे सही नहीं मानते जब तक वो जनहित के लिए काम न करे। कला को सिर्फ कला मानने में जरा भी यकीन न रखने वाले ओम पुरी का मानना है कि कला वो है जो लोगों से जुड़े। गंभीर सिनेमा के अलावा हास्य फिल्मों में भी अपने अभिनय का सिक्का जमा चुके ओम पुरी फिल्मों का अर्थपूर्ण होना बेहद जरूरी मानते हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों के अलावा ब्रिटिश और हॉलीवुड फिल्मों में भी ओम पुरी जोरदार एक्टिंग से अपनी पहचान बना चुके हैं। थिएटर और फिल्मों के साथ साथ ओम पुरी टेलीविजन पर भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। एक्टिंग के बाद ढाबा खोलने का ख्वाब रखने वाले ओम पुरी खाना पकाने में भी उतने कुशल हैं जितने एक्टिंग में। आज भी ओम पुरी फिल्मों और टेलीविजन में नए विचार, नई सोच, नए बदलावों और नए नए तरीके अपना कर उसे एक नया आयाम देने की कोशिश में लगे। ओम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। हमको बताइए कि जिंदगी जहाँ से शुरू हुई और जहाँ तक पहुँची, क्या आपने इसकी कल्पना की थी? देखिए, वो कल्पना तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कर पाता है। जो भी पैदा होता है उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ तक पहुँचेगा और उसका अंत कैसे होगा। सब बच्चे मुझे लगता है कि एक ही जैसे पैदा होते हैं लगभग, अनलेस जेनेटिकली कुछ गड़बड़ हो तो। उन वो कोई धारणा बनाकर नहीं आते। तो बहरहाल मेरा जन्म हुआ था यहाँ अंबाला में, अंबाला शहर में, और मेरी पढ़ाई जो है वो पटियाला के पास गांव है सनौर, वहाँ से मैंने हाई स्कूल पास किया और फिर पटियाला से मैंने ग्रेजुएशन की और एक थिएटर ग्रुप पंजाब कला मंच से जुड़ा था जिसके हरपाल टिवाना निर्देशक थे, उनकी पत्नी नीना टिवाना, दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए थे। उनके ज़रिए मुझे पता चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में और मैंने एक सरकारी नौकरी जहाँ पे मैं क्लर्क था
वो छोड़कर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, 3 साल के लिए वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट पूना चला गया, वहाँ से 2 साल पढ़ाई की और फिर 76 में मैं बॉम्बे चला गया। एडोलसेंस के दिन कुछ इस तरह होते हैं जब कोई शायद ज़िंदगी का ऐसा मोड़ होता है जहाँ आपको लगता है कि ये प्रोफेशन आपके आपका फ्यूचर बन सकता है, वो कोई ऐसा पड़ाव आपको याद आता है जब आपको लगा हो कि फिल्मों में या थिएटर में एक्टिंग करना ही आपकी रोजी रोटी का हिस्सा बनेगा? ऐसा है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरा मन था आर्मी में जाने का। मैं जब ट्रेन से सफ़र करता था किसी आर्मी ऑफिसर को, कैप्टन को, लेफ्टिनेंट को स्टार लगाए हुए और बगल में काला ट्रंक रखा है, उस पर लिखा है कैप्टन सो एंड सो या लेफ्टिनेंट सो एंड सो, सिगरेट पी रहा है, स्मार्ट दिखता था, तो मेरे लिए वो फिल्म स्टार से कम नहीं था। तो मैं ये ख्वाब देखता था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, आर्मी ऑफिसर बनूँगा। और मेरे वालिद भी आर्मी में रहे लेकिन मैंने उन्हें कभी वर्दी में नहीं देखा, क्योंकि मेरे जन्म के बहुत पहले वो आर्मी छोड़ चुके थे और रेलवे ज्वाइन कर ली थी। बहरहाल जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया और पंजाबी यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल में मैंने एक नाटक किया जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। उसके जज हरपाल टिवाणा थे जिनका थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया बाद में। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कौन से कॉलेज में? मैंने कहा जी मैं खालसा कॉलेज से हूँ। तो बोले तुम शाम को हमारा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो। मैंने कहा जी मैं तो शाम के कॉलेज में ही जाता हूँ, दिन में काम करता हूँ। बोले अच्छा दिन में क्या काम करता? मैंने कहा जी कॉलेज में ही लैब असिस्टेंट हूँ। तो बोले कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा जी 125 रुपये। बोले मैं 150 दूंगा, तुम मेरा थिएटर ज्वाइन करो और इवनिंग कॉलेज ये साल पूरा कर लो, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करो। मैंने कहा जी ठीक है। तो हमने उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। दिन में थिएटर के लिए काम करता था, शाम को नाटक में काम करता था, रिहर्सल करते थे। तो ऐसे करके 2 साल निकले और उस वक़्त जो डेप्टी कमिश्नर थे SL कपूर वो पेट्रन थे हमारे। तो तब मैंने नहीं सोचा था कि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊंगा। तो मैंने उन्होंने मुझे जॉब दे दी गवर्नमेंट ऑफिस में। लेकिन उनके साथ जो हमने नाटक किए वो सामाजिक नाटक थे, समाज से जुड़े हुए नाटक थे और मैं बहुत घुटा हुआ बच्चा था और बहुत शर्मीला भी था। तो नाटकों के ज़रिए जो मेरे अंदर सोच पैदा हुई या जो मैं देखता था सड़क पे कि अमीर गरीब क्यों होते हैं और इतनी डिस्पैरिटी क्यों है, इतनी तकलीफ़ क्यों है लोगों में, तो ये सब चीज़ें असर करती थीं और उसके जवाब नहीं मिल पाते थे। इन नाटकों के ज़रिए मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर की जो आवाज़ है या जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनको ये शब्दों के ज़रिए मैं बयान कर पा रहा हूँ और उसे लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो इसलिए इस माध्यम ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने कहा मैं इस माध्यम के ज़रिए लोगों तक पहुँचूँगा। ये तो हुई एक बात। जब आप इसको करते हुए थोड़ा अरसे बाद जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचते हैं या फिर इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं, तब जहाँ आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, एक्टिंग की थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर ब्रेक्थियन डिटैचमेंट पढ़ाया जाता है, फिर आपको स्टैनिस्लावस्की पढ़ाया जाता है, उसकी जब तुलना आप अपने इस एम्पिरिकल प्रैक्टिस से करते हैं तो क्या पाते हैं? देखिए पढ़ा हमने ये सब, स्टैनिस्लावस्की भी पढ़ा और ब्रेक्थ भी पढ़ा और ग्रोटोवस्की भी पढ़ा, और इस सब में जो जो चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि मेरा मकसद है लोगों तक पहुंचना, मैं इसमें विश्वास करता हूं कि आप लोगों से सरल भाषा में बात करें। ऐसे ही सिनेमा भी एक भाषा है और वो ऐसी भाषा होनी चाहिए जो एक आम आदमी, जो एक सड़क का आदमी, मज़दूर आदमी, किसान आदमी, उसकी समझ में आए,
वो जार्गन ना हो, कॉम्प्लिकेटेड शब्द ना हो, वो वोकैबुलरी आसान हो, तो उसमें मेरा विश्वास है। तो इन सब को पढ़ के कहीं ब्रेक्स भी आते हैं, क्योंकि जब आप कोई किरदार निभा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हो, आपको पता है कि आप लोग बैठे हैं सामने, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप ओमपुरी हो, लेकिन आप एक किरदार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लोगों को एक किरदार दिखा रहे हो अपने शरीर के ज़रिए, अपने इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। लेकिन किसी भी नाटक में या फिल्म में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप अपने को भूल जाते हो, तब आप जो है आप नहीं रहते, आप वो किरदार बन जाते हैं। और असल में एक्टिंग की ऊंचाई वो है जब आप वो बन जाएं। और इसीलिए मैंने जो फिल्में की हैं उसमें मैंने अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, किसान भी बना हूँ, मज़दूर भी बना हूँ, विलन भी बना हूँ, कॉमेडियन भी बना हूँ, आर्मी मैन भी बना हूँ, पुलिस वाला भी बना हूँ। तो वो अलग अलग किरदार करके आनंद आता है कि आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। अगर आप एक ही तरह के रोल करते रहे ज़िंदगी भर तो देन यू आर टाइप कास्ट, तो उसमें आपकी कोई कलाकारी नहीं है। अरे तुम लोग बुड़बक हो का? का है बच्चे को इतना नज़दीक आने दिया कुएं के? थिएटर में जैसे कि आपने शुरू भी किया जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और जब अलकाजी जैसे टीचर थे आपके पास, और थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम था, अभी थिएटर उस तरह मैच्योर नहीं हो पाया था आपने यहाँ, लेकिन थिएटर में सरवाइव करना आपके लिए शायद मुश्किल रहा। आपने अपने किन्हीं दूसरे इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि NSD पूरा करने के बाद आखिरकार फिल्म इंस्टीट्यूट जाना हुआ और फिल्म इंस्टीट्यूट से रास्ता बम्बई की तरफ ही गया, और इस तरह थिएटर अब आपके पूरे प्रोफेशनल करियर का एक बहुत छोटा हिस्सा होकर रह गया है, कैसे आप इसको देखते हैं? थिएटर मैंने किया है कुछ, मेरा ख्याल है 6 to 8, 8-9 साल किया। उसके बाद आप आइडलिस्ट होते हैं, आदर्शवादी होते हैं जब यंग होते हैं। मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा पास किया, बाहर निकला तो मुझे अंधकार नज़र आया, क्योंकि हिंदी थिएटर प्रोफेशनल थिएटर नहीं है, अभी भी नहीं है, जिसमें लोगों को टिकट लेने की आदत हो, लोग टिकट लेके आपका नाटक देखें, जो कि महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बंगाल में है, और लेकिन नॉर्थ में ये चलन बहुत ही कम है। और थिएटर के ज़रिए अपनी जीविका के कमाना बहुत कठिन है, कठिन ही नहीं नामुमकिन है। तो और मैंने जितने भी लोग देखे जो रेगुलर थिएटर कर रहे हैं पिछले 30 साल से, तो ये पाया कि वो लोग इस पे निर्भर नहीं है, वो कुछ और काम करते हैं। श्यामानंद जलान कलकत्ता में 30-35 साल उन्होंने थिएटर किया, लेकिन वो वकील थे, दिन में वकालत करते थे, धन वहाँ से मिलता था, शाम को अपना शौक पूरा करते थे, थिएटर करते थे। राजेंद्र नाथ दिल्ली में, वो भी 35-40 साल से नाटक कर रहे हैं, और वो भी प्रोफेसर थे। ओम शिवपुरी, वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ाते थे। तो देखने में ये आया कि आपको कुछ ना कुछ और करना है जीविका के लिए, और थिएटर से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए आपको जहाँ तक रोज़ी रोटी का सवाल। और उसी दौरान 8 फिल्मों की शुरुआत हुई थी, और एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, FFC, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो अभी NFDC कहलाती है। तो उसमें अनुभव, सारा आकाश, उसकी रोटी, ऐसी फिल्में दिखाई गई
जो कि मुझे लगी, क्योंकि मेरा अनुभव जो था वो कमर्शियल सिनेमा का था ज़्यादातर, और ये फिल्में बिल्कुल अलग लगी मुझे नो। और मैंने कहा ऐसी फिल्मों में तो हम शामिल हो सकते हैं। वो बहरहाल जब फिल्म इंस्टीट्यूट गए तो बॉम्बे पहुँचे, बॉम्बे में थिएटर ग्रुप बनाया शुरू में, उसके ज़रिए कुछ नाटक किए और धीरे धीरे करके फिल्म्स का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि साहब दोनों में से आपको बेहतर क्या लगता है, थिएटर या सिनेमा? तो मैंने कहा भाई सिनेमा। बोले क्यों? मैंने कहा सिनेमा इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और अपनी ज़िंदगी के दौरान पहुंचना चाहता हूं। मैंने कहा फ़र्ज़ करो कोई भी आप फिल्म लीजिए, चाहे अर्धसत्य हो या तमस हो, अगर मैं उस पर नाटक करूं तो मैं कितने लोगों को दिखा पाऊंगा? मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा सिर्फ एक नाटक के लिए अगर मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहूँगा। अर्धसत्य रिलीज़ हुई, करोड़ों लोगों ने देखी। तमस रिलीज़ हुई, करोड़ों लोगों ने देखी। तो मैंने कहा ये है चीज़ कि थिएटर का अपना स्थान है। थिएटर इज लाइक अ क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस जिसको हर कोई अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। वो एक मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के लिए है। और सिनेमा जो है उसमें ये ताकत है कि वो बिल्कुल ग्रास रूट तक जा सकता है, छोटे से छोटे किसान के पास जा सकता है, छोटे से छोटे मजदूर के पास जा सकता है, जो कि थिएटर में अगर कुछ थिएटर मतलब जैसे रंजीत कपूर है, उसने कई नाटक ऐसे किए हैं जो आम दर्शक जामा मस्जिद का ठेले वाला वो भी देखने आया, बेगम का तकिया पहुंचा जा सकता है। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि कितने लोगों तक? आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, आप पहले बैल से खेती करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, तो आप किसको चुनोगे? 200 एकड़ ज़मीन में अगर आप उसको पूरी को इस्तेमाल करना चाहते हो, उगाना चाहते हो, तो आप जाहिर है ट्रैक्टर की मदद लोगे ना। तो ये वैसे ही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर अदाकार ओम पुरी के साथ। अगर मैं सिर्फ उस सिनेमा पर निर्भर रहता तो आज मेरे पास घर नहीं होता और मैं जिस उम्र में हूँ 62 की उम्र में, और इसके बाद जाहिर है आदमी बुज़ुर्ग होता है तो कोई ना कोई बीमारी भी घेरती है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो जिन्होंने अपार धन कमाया था लेकिन फिर भी ऐसी गुर्बत में मरे वो, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि ये किसी न किसी दिन बंद होगा और हमें पेंशन नहीं मिलने वाली क्योंकि आप कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर अदाकार ओम पुरी, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी अदाकारी के जौहर बिखेरते रहते हैं। ओम जी, आपको भी ये एहसास होगा कि आप के काम से हमारा समय और समाज और उसकी संवेदना गहरे प्रभावित होती है। कैसा लगता है आपको जब शोहरत की ये गूंजें आपके कानों में पहुंचती? देखिए शोहरत तो बहुत लोगों की होती है। शोहरत किसी गलत काम के लिए भी हो सकती है, शोहरत किसी ऐसे काम के लिए भी हो सकती है जो सिर्फ आपके खुद के फायदे का है। असली शोहरत वो है जो आप किसी ऐसे काम के लिए जाने जाएं जो जनहित में हो। जैसे एक बार हम भोपाल के पास कोई जगह थी जहाँ कुछ फुटबॉल का मैच था छोटे किसी कस्बे में, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ से लौटते हुए हम एक ढाबे पे खाना खाने रुके
खाना खा रहे थे तो एक बुज़ुर्ग पतले से आए, बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा नमस्कार। मैंने कहा जी नमस्कार। बोले मैं अध्यापक हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। वो बुढ़िया जो बैठी है मेरी पत्नी है, हमने आक्रोश देखी और हमें लहणिया भिखू का किरदार आपका बहुत अच्छा लगा। उनको नाम भी याद था किरदार का। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वाक्य सुनकर अच्छा लगता है उस शोहरत का। एक टैक्सी वाले ने मुझे पहचाना, मैं सड़क पर जा रहा था, उसने टैक्सी रोकी, रिवर्स की, उसने कहा आप आक्रोश में थे? मैंने कहा जी। बोले आपने वो आखिर में अपनी बहन को क्यों मार दिया? मैंने कहा भाई वो इसलिए कि वो नहीं चाहता था, अब वो अकेली रह गई, उसके पिता मर चुके, उसकी पत्नी मर चुकी, उसकी बहन अकेली है, ये जेल में, खुद जेल में है, तो वो नहीं चाहता कि इसके साथ भी वही अन्याय हो, वही ह्यूमिलिएशन हो, इसलिए वो एक प्रोटेस्ट के तौर पे कि हमारी बात कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो उसने अपनी बहन को ख़त्म कर दिया और उसे इस चीज़ से तकलीफ़ भी है। उसने उसको मतलब मर्डर की तरह नहीं किया, उसको दुख था इस चीज़ का कि वो अपनी बहन को मार रहा है। और मारने के पहले मैंने कहा एक मेरा क्लोजअप गया था जिसमें वो आंखें बंद करके और कुल्हाड़ी चला देता, तो उसको बड़ा भावुक हुआ। उसने कहा तो हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह के असर, मैंने कहा बस हमारा काम पूरा हो गया, आपके अंदर जो सोच जागृत हुई कि हमें क्या करना चाहिए, अब आप सोचिए उसके बारे में कि आप किस तरह से समाज में अपना योगदान दे सकते हैं और इस तरह की चीज़ों पे रोक लगा सकते हैं। फिल्म मेकर का या किसी भी लेखक का यही काम है कि सही सवाल उठाना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। पर एक सवाल बनता है कि एक एक तरकीब हो सकता है कि कलाकार को अपनी कला से वास्ता रखना चाहिए, उसको सोशल कमिटमेंट, सामाजिक दायित्व और सामाजिक कॉज, ये सब के बारे में क्यों सोचना चाहिए, उसे अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपके पूरे करियर में ये देखा जाता है कि आपका जोर इस बात पर रहता है कि काम ऐसा हो जिसका कोई जिसकी कोई सोशल अकाउंटेबिलिटी हो। ये कैसे आप, ये कमिटमेंट आपके अंदर क्यों इस तरह गहरे घर कर गया है? देखिए कोई भी ऐसा काम जो मानवता के, इंसानियत के, समाज के काम ना आए, उस काम को लानत है। हाँ जी, मतलब मैं बिलीव नहीं करता आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि ऐसी कैनवस बनाऊं जो लोगों के समझ में ही ना आए, एब्स्ट्रैक्ट हो, एब्सर्ड हो, कुछ बोलती ना हो, कुछ कहती ना हो, उस आर्ट के मायने मुझे समझ में नहीं आते। मैं किसी ऐसे माध्यम से जुड़ना चाहता हूँ जो हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं, हमारे समाज की जो तकलीफ़ें हैं, उनको दूर करने में मदद कर सके और एक नई सोच पैदा कर सके, एक कंपैशन लोगों में आए, एक भाईचारा लोगों में आए। तो उसके बिना कोई भी आर्ट बेमानी है। जब आप ये बात कहते हैं और जब आप अपने ही इन करीब 3.5 दशकों के करियर पर नज़र डालते हैं जिसकी शुरुआत
मीनिंगफुल, मैं तो आर्ट सिनेमा नहीं कहूँगा उसको या पैरेलल सिनेमा, मैं कहूँगा कि अर्थपूर्ण सिनेमा जो बनाने की एक शुरुआत थी वो करीब एक दशक तक चली, जिससे अब आपने करीब करीब डिपार्चर जैसा कर लिया है। आप कह सकते हैं कि वो आप पैसा कमाने के लिए भी करते होंगे, लेकिन फिर आपको वो सेटिस्फैक्शन जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन और सोशल कमिटमेंट वाला पहलू है वो कहाँ से लाते होंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि वो जो जिसको आप मीनिंगफुल सिनेमा कहते हैं वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसने अपना रूप बदला है। और दूसरी मेरी जो पर्सनल बात है कि ये मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैंने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी था, एक रीज़नेबली गुड लाइफ के लिए। आर्ट सिनेमा या मीनिंगफुल सिनेमा वो धन नहीं दे सकता था जिससे आप मुंबई जैसे शहर में रह सकें। अगर मैं सिर्फ उस सिनेमा पे निर्भर रहता तो आज मेरे पास घर नहीं होता, और मैं जिस उम्र में हूँ, 62 की उम्र में, और इसके बाद जाहिर है आदमी बुज़ुर्ग होता है तो कोई ना कोई बीमारी भी घेरती है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो जिन्होंने अपार धन कमाया था लेकिन फिर भी ऐसी गुर्बत में मरे वो, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि ये किसी न किसी दिन बंद होगा और हमें पेंशन नहीं मिलने वाली क्योंकि आप कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें सोच कर, और फिर आपका परिवार, आपका बच्चा जिसको आप चाहते हो अच्छी तरह से पढ़ाना, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, तो ये सब चीज़ें सोच के एक बैलेंस बनाया कि भाई अच्छी फिल्म के लिए मैंने कभी इनकार नहीं किया। और कई ऐसी फिल्में भी की जो शायद रिएक्शनरी कही जा सकती हैं, लेकिन कई ऐसी कमर्शियल फिल्में की जो हार्मलेस है। हेरा फेरी हार्मलेस है, चाची 420 हार्मलेस है कॉमेडी, लेकिन जाने भी दो यारो, मीनिंगफुल सिनेमा सटायर है, सोशल सटायर है, पॉलिटिकल सटायर है। और लेकिन चाची 420 और फेरा फेरी या माला माल वीकली मीनिंगफुल नहीं है लेकिन हार्मफुल भी नहीं है। ओमपुरी के साथ गुफ्तगू का यह सिलसिला जारी है। देखिए ओमपुरी की कुछ और अनकही अनसुनी बातें गुफ्तगू के अगले एपिसोड में। अपने साथ के जो एक्टर्स हैं उनमें से किसी के साथ आपको कभी जलन, कोई जेलसी जैसा कुछ एहसास रहा? वो कई लोगों के साथ जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और उनकी उनकी जो एनर्जी है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। मुझसे मेरा ख्याल है 10 साल उम्र में बड़े होंगे अमिताभ बच्चन, उनसे मैं स्पर्धा करता हूँ, ईर्ष्या नहीं। राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर अदाकार ओम पुरी। ओम पुरी के साथ गुफ्तगू के इस खास प्रोग्राम के पहले एपिसोड में आप देख चुके हैं, मेरा जन्म हुआ था यहाँ अंबाला में, अंबाला शहर में, और मेरी
पढ़ाई जो है वो पटियाला के पास गांव है सनौर, वहाँ से मैंने हाई स्कूल पास किया। मैंने एक सरकारी नौकरी जहाँ पे मैं क्लर्क था वो छोड़कर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। मैं ये ख्वाब देखता था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, आर्मी ऑफिसर बनूँगा। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास किया, बाहर निकला तो मुझे अंधकार नज़र आया। अगर मैं सिर्फ उस सिनेमा पर निर्भर रहता तो आज मेरे पास घर नहीं होता और मैं जिस उम्र में हूँ 62 की उम्र में, और इसके बाद जाहिर है आदमी बुजुर्ग होता है तब कोई ना कोई बीमारी भी घेरती है। पेश है इस बेहद खास बातचीत का बाकी हिस्सा। ओम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। ओम जी, वो दिन भी थे जब FTI से निकलकर मुंबई पहुंचने के बाद काम का इंतज़ार होता था कि कुछ काम मिल जाता और ज़िंदगी की गाड़ी चल निकलती, और आज शायद उससे बिल्कुल उलट दिन है। कैसे दिन है आजकल? क्या काम आपके पीछे पीछे भागता है? काम पीछे पीछे भागता रहा है, लेकिन अभी पिछले 2 साल से उसकी रफ्तार कम हो गई है, और मुझे इसकी उम्मीद भी थी क्योंकि जाहिर है एक उम्र के बाद जो किरदार आपके लिए होंगे जो आपकी उम्र के साथ मैच करें वो कम रह जाते हैं, और ज़्यादातर हम लव स्टोरीज़ बनाते हैं और उन लव स्टोरीज़ में या तो आप हीरोइन के पिता हो सकते हो या बाप हीरो के पिता हो सकते हो, तो बहुत कम किरदार ऐसे होते हैं जो हमारी उम्र से मैच करेंगे। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी जैसे प्रकाश झा की फिल्में हैं, अभी लास्ट फिल्म मैंने चक्रव्यूह उनके साथ की जो कि नक्सल मूवमेंट पे आधारित है और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश है, तो उसमें बड़ा अच्छा किरदार है, नक्सल लीडर का है, तो लेकिन ऐसी काफ़ी कम फिल्में होंगी। तो जो जिस रफ्तार से मैं फिल्में करता था कि साल में कभी 6-7 फिल्में भी की हैं, कभी 5 की हैं, कभी 6 की हैं, कभी 8 की हैं, तो इस तरह से तो वो रफ्तार तो जाहिर है कम होगी, और अभी देखते हैं, हो सकता है कुछ हम ऐसा करना चाहें, क्योंकि मैंने टेलीविज़न पे जो भी काम किया है पास्ट में उस पे मुझे बहुत गर्व है, और उस तरह का काम आज टेलीविज़न में नहीं हो रहा, चाहे वो तमस हो, चाहे वो गुलजार साहब की 13 कहानियाँ किरदार के नाम से हों, या यात्रा जो श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट की थी, या कक्का जी कहें जो बस चटर्जी ने किया था, राग दरबारी नावल बहुत मशहूर नावल है हिंदी लिटरेचर का, चाहे वो भारत एक खोज हो, तो जो भी मैंने काम टेलीविज़न पे किया है वो बहुत मीनिंगफुल काम था, बहुत जो मेरी सोच है, जिस सोच से मैं सिनेमा करता रहा हूँ वो उससे मेल खाता था। मधुसूदन, वो धर्मराज पक्का जुआरी, जुआ खेला राज्य हारा, क्या गलती थी हमारी? सबको पता है जुए में हारे वो, फिर भी मैंने सम्मति दी थी कि लौटा दो जीता हुआ धन, फिर खेले फिर हारे, जंगल फिरे मारे मारे, इसमें मेरा क्या दोष? उल्टे मुझे से लड़ने की देते हैं धमकी, मुझे और मेरे भाइयों को मार डालने की, ये कैसा न्याय है, कौन सा धर्म है? आप भी आए हैं मुझे डराने झुकाने, तो सुनो, क्षत्रिय की तरह जिया हूं और क्षत्रिय की तरह मरूंगा भी, यही धर्म जानता हूं मैं, और धर्म के आगे कुछ नहीं मानता मैं। जब तक जीवित हूं राज्यांश नहीं मिलेगा,
पांडवों को दोबारा राज्य नहीं मिलेगा, उतना भी नहीं जितना सुई की नोक पर समा जाए। देखिए, बतौर एक्टर आप कई बार डिपेंड होते हैं कि कोई अच्छा प्रोड्यूसर, कोई अच्छा डायरेक्टर हो, कोई अच्छी थीम लेकर आए जो आपको भी रुचे और आपका पर्पस सॉल्व करती हो और आप उसका पार्ट बन जाए। एक एक्टर की शायद ये एक आयरनी है कि वो अच्छा काम होना जैसे ही बंद होगा वो खाली बैठ जाएगा और उसके पास अपना कोई एजेंडा नहीं होगा। नहीं, वही तो मैं उसी की तलाश में हूँ कि हम टेलीविज़न पे कुछ ऐसा कर सकें जो मीनिंगफुल हो, जो हमारी सोच से मेल खाता हो। मैं तो टेलीविज़न को फिल्म से भी ज़्यादा सशक्त माध्यम मानता हूँ, उसके ज़रिए बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। शुरुआती दिनों में जिस टटकेपन और जिस ऊर्जा के साथ आप अपने काम से होने वाले बदलाव को परसीव कर पा रहे थे, वो सडनली बदल गया। इस पर आप ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है जब आप सोचते हैं कि आक्रोश है, अर्धसत्य है, तमस है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक सोशल रियलिटी को सामने ला रहा है, आपकी सोशल सेंसिबिलिटी के साथ सिंक में है, और सडनली बाजार हावी हो जाता है और चीज़ें बिखर जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप अभी भी, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, एक्टर्स को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, आप थिएटर कर सकते हैं अपनी मर्जी का, अपने चुनाव का, जो आपकी पर्सनालिटी के साथ जाता हो, जो आपके उम्र के साथ जाता हो। आप समाचार पत्र में लिखना शुरू कर सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, उसके बारे में सोच शुरू हुई है। और दुकान अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। अरे मतलब, हम तो हाँ, ऐसा बंद होने की कगार पे है, लेकिन बंद अभी हुई ऐसा नहीं, ऐसा कह भी नहीं रहे हम जी। आप तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातें जारी रखेंगे ओम पुरी के साथ। अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ सब काम छोड़ कर वो की करते हैं आप? ये अभी गहराई से सोचा नहीं है, क्योंकि दुकान अभी बंद नहीं हुई है। आप निराश मत होइए, समझे, कुछ ना कुछ होता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, मैं दो चीज़ें और कर सकता हूँ जिनमें मुझे महारत हासिल है। एक तो मैं खेती कर सकता हूँ और दूसरे मैं ढाबा खोल सकता हूँ और उसका नाम होगा दाल रोटी। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज है हमारे साथ मशहूर अदाकार ओम पुरी। जब आप ये देखते हैं कि सिर्फ ये पैरेलल सिनेमा ही नहीं जिसमें आपने अपने मन का काम किया, इसके अलावा आप ब्रिटिश और हॉलीवुड सिनेमा से होते हुए इंडियन रीजनल सिनेमा तक का सफ़र तय कर चुके, कौन से ऐसे लम्हे हैं जो सबसे आपको यादगार, शानदार और दोबारा उनमें वापस जाने का दिल करता है आपको? देखिए, जब यहाँ पे वो मीनिंगफुल सिनेमा का जो ब्रेक आया 90 में, 88 तक तो मेरा ख्याल भारत एक खोज भी चल रहा था और तमस भी होके हटी थी। 90 में मैंने फिल्म की सिटी ऑफ जॉय, उसके ज़रिए विदेश में मेरी पहचान बनी और फिर ब्रिटिश फिल्में आई। तो जो खला यहाँ था वो ब्रिटिश सिनेमा ने पूरा किया, क्योंकि वहाँ के जिस सिनेमा भी मैंने मीनिंगफुल सिनेमा ही किया, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो फिल्में हों वहाँ की। इसीलिए वहाँ की क्वीन से मुझे OBE भी मिला, जो कि मुझे सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा मैं तो वहाँ का नागरिक भी नहीं हूँ। Look, your daughter, it's your first night, you can't... Oh, Jesus. Please, please. This is the time of their happiness.
Let's go. Hey, Mary, you should have had 5 more daughters. Azari bhai, your son Manoj is a genius. Okay, remind me later, I'll tell you what. 6-7 years तक मैंने काफी काम किया ब्रिटेन में. साल में लगभग 4 महीने मैं वहाँ रहता था. बल्कि बहुत सारे अंग्रेज मुझसे ये पूछते थे कि where do you live? I said, I live in Bombay. He said, oh, you don't live here. So, बहरहाल वो बड़ा अच्छा सफ़र था. और अमेरिकन फिल्में भी की, 4-5 बहुत अच्छी फिल्में की. बड़े डायरेक्टर्स थे, माइक निकल्स के साथ, जो कि बहुत दादा डायरेक्टर हैं. उन्होंने ग्रेजुएट बनाई, कैच 22 बनाई, और उनके साथ वुल्फ में जैक निकल्सन के साथ काम किया, टॉम हैंक के साथ किया, टिम रॉबिन्स के साथ किया, बेन किंग्सले के साथ किया, पैट्रिक स्वेजी के साथ किया, वाल किर्मर के साथ किया. इन सब में सबसे ज़्यादा चमकदार और तजुर्बा कौन सा था? मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रशंसा मिली और जो फिल्म सबसे ज़्यादा चली वो थी ईस्ट इज़ ईस्ट. ईस्ट इज़ ईस्ट कमर्शियली भी बहुत चली, पूरी दुनिया में चली, और उसके लिए मुझे बाफ्टा में नॉमिनेट भी किया गया केविन स्पेसी के साथ. और मेरी फेवरेट फिल्म जो है, और जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ही वो रेलेवेंट है, वो है माय सन द फैनेटिक, जो कि एक परिवार की कहानी है. एक पाकिस्तानी फादर है जो कि बहुत लिबरल है. उसको इजीली आप कह सकते हो कि वो पाकिस्तानी नहीं, वो वर्ल्ड सिटीजन है. एक्सक्यूज मी, सॉरी, अर्जेंट पर्सनल मैटर, प्लीज. इज दैट मैडलिन, मिस फिंगर हैड, फरीज डैड, परवेज एंड ऑल. एक्सक्यूज मी, फूड इज वेटिंग एनी टाइम, व्हाई नॉट कम संडे? इफ दैट्स ऑल. एंगेजमेंट इज ऑफ. He didn't tell you. Certainly you don't like my boy. I thought you were arranging. उम्र का एक ऐसा दौर भी रहा होगा, जैसे कि नाटक देखना है तो उसके लिए सारे काम छोड़ के नाटक देखने चले जा रहे हैं. उसी तरह से अभी कौन सी ऐसी चीज है जिसके साथ सब काम छोड़ कर वो की करते हैं ये अभी गहराई से सोचा नहीं है, क्योंकि दुकान अभी बंद नहीं हुई है. आप निराश मत होइए, समझे? कुछ ना कुछ होता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है बिल्कुल. और मैं इतनी आसानी से इसको स्वीकार नहीं करूँगा. मुझे कभी भी ये नहीं रहा है कि मुझे बड़ा रोल ही मिलेगा तब मैं करूँगा. लेकिन हाँ, कुछ करने लायक होना चाहिए, चाहे वो 2 सीन हो, तो मैं ऐसे रोल करूँगा. ये जो फिल्मों की और थिएटर की जो चमकदार दुनिया है, इससे आपको क्या शिकायत क्या है? मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन मैं जो है, अब जैसे मैंने कमर्शियल फिल्मों में काम किया है, लेकिन मैं उसमें गहरा नहीं उतरा हूँ. मैं बड़ी बड़ी पार्टियाँ में नहीं जाता हूँ, जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं उनमें नहीं जाता हूँ. मुझे अच्छा लगता है कि किसी के घर पे 10 लोग आए, उसमें 2 डॉक्टर हैं, 2 जर्नलिस्ट हैं, 2 फिल्म के लोग हैं, कुछ मित्र हैं, एक मिश्रण है अलग अलग माध्यम के लोगों का. तो ऐसी महफिल में बैठ के मज़ा आता है. कोई म्यूजिशियन है, कोई अच्छा गाता है. अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद बातें जारी रखेंगे ओम पुरी के साथ. अलकाई साहब ने मुझे घूरा, शायद अंदर से थोड़े खुश भी होंगे कि अंग्रेजी बोलने लगा है, और थोड़े स्टर्न भी हुए. और क्लास ने तो ये सोचा कि गुरु इसने शेर की गुफा में हाथ डाल दिया, अब ये गया. बहरहाल उन्होंने थोड़े गुस्से में कहा, ओके, यू रीड टुमारो. फिर मैं उठा, 5 मिनट बाद दरवाज़ा खोला, सामने नसीरुद्दीन शाह खड़े थे. आँखें मिली, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा,
बोले आई न्यू यू विल स्पीक वन डे. कभी अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आप के पास टोस्टर ना हो और टोस्ट खाने का मन हो तो एक अखबार लीजिए, उस पर ब्रेड का पीस रखिए और प्रेस को ऑन कीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए, वो टोस्ट हो जाए. क्या बात है. स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में. आज है हमारे साथ मशहूर अदाकार ओम पुरी. ओम जी, कोई एक ऐसा रोल जो आप सचमुच करना चाहते हो और वो अभी तक आपको नहीं मिला? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं चुभ रहा है या लग रहा है कि भाई वो रोल जब तक मैं नहीं करूँगा, मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता. मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ. मैंने जो काम किया है उस काम में काफ़ी सारी फिल्में ऐसी हैं जो मुझे हमेशा ज़िंदा रखेंगी और मेरे बच्चे को मुझ पर गर्व रहेगा. तो इस तरह की कोई मायूसी नाम की चीज़ मेरे मन में नहीं है. मैंने कई बार सोचा कि क्योंकि लोग इतनी तारीफ़ करते हैं मेरी आवाज़ की, कि इसका इस्तेमाल किया जाए और अच्छे अच्छे पोइट्स की पोइट्री को रिसाइट किया जाए और उसकी सीडी निकाली जाए, बच्चों की कहानियाँ वो पढ़ी जाएं एक इंटरेस्टिंग ढंग से, उनको सीडी में डाल के वो वितरित की जाए. तो उस रास्ते में क्या रोड़ा है, वो तो आप कर सकते हैं. लेकिन ये नई सोच है, ये अभी हाल ही में इस तरह की नहीं. लेकिन जब आपके सामने चॉइस आती है तो आप फीवर के महाभारत या रामायण जैसी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उससे पैसा आ रहा होता है. जी, तो इससे भी आ सकता है पैसा, तो इससे भी आ सकता है. मैं दो चीज़ें और कर सकता हूँ जिनमें मुझे महारत हासिल है. एक तो मैं खेती कर सकता हूँ, ठीक है, और दूसरे मैं ढाबा खोल सकता हूँ. नहीं, ये दोनों ही तो बहुत कामयाब होंगे और ये ज़रूरी किए जाने चाहिए. और वो और ढाबा सिंपल है और उसका नाम होगा दाल रोटी. ढाबे का नाम दाल रोटी होगा. हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेंगी उसमें, किस्म किस्म की दालें बनेंगी और चावल बनेगा. इसमें से कुछ आप खुद बना सकते हैं? जी बिल्कुल. अच्छा, बिल्कुल. हाँ हाँ, पराठे, पुलाव, दालें, सब्जियाँ, भरता, जो भी कड़ी, तो बहुत कुछ कर सकता हूँ. अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, हमारे सिटी ऑफ जॉय के जो डायरेक्टर थे अमेरिका में, उनके घर गया मैं, तो मैंने कहा मैं आपको आज हिंदुस्तानी खाना आपके घर में पका के खिलाता हूँ. बोले, खुश हो गए. बोले, अरे क्या बात है. बाजार गया, सब ले आया, सब्जियाँ वब्जियाँ, आटा वाटा, ये वो सब, तेल वेल. ये किस किस शहर की बात है? ये अपना LA. LA में सब्जियां बन गई, दाल बन गई, आटा गूंद लिया, सलाद कट गया, और आटा जब गूंद लिया, पराठे बनाने की बारी आई तो मैं देख रहा हूँ कि बेलन नहीं है. हो, सडनली मेरी निगाह पड़ी, वाइन की बोतल पड़ी. अरे वाह, बन गया. मैंने पेड़ा बनाया, वाइन की बोतल ली और शुरू हो गया. उससे पराठे बना दिए. कभी अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आप के पास टोस्टर ना हो और टोस्ट खाने का मन हो, तो एक अखबार लीजिए, उस पर ब्रेड का पीस रखिए और प्रेस को ऑन कीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए, वो टोस्ट हो जाए. क्या बात है. फिर उसको उल्टा दीजिए और फिर प्रेस रख दीजिए. हाँ हाँ, परफेक्ट टोस्ट बन जाए. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. ठीक है. एक बार हम होटल में दो तीन दोस्त बैठे थे हैलिफैक्स में, इंग्लैंड में, तो बाज़ार से खाना लाए, दही लाए, लेकिन दही के लिए नमक था, ज़ीरा नहीं था. तो एक दोस्त बोला, यार ज़ीरा होता तो मज़ा आ जाता. मैंने कहा, एक मिनट,
मैं हमेशा मसाले रखता हूँ अपने बैग में। तो हमने ज़ीरा निकाला, होटल को बोला प्रेस भेज दो ऊपर। तो मैंने प्रेस ली, उस पर ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा भुन गया, उसको टेबल पे रखा, बॉटल से मसल दिया, पाउडर हो गया, उसको दही पे छिड़क दिया। मैं ये पूछा था कि अपने साथ के जो एक्टर्स हैं उनमें से किसी के साथ आपको कभी जलन, कोई जेलसी जैसा कुछ एहसास रहा? अभी तक तो नहीं, लेकिन प्यार भरी जलन हो जाती है कई बार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि ईर्ष्या नहीं, स्पर्धा। वो किसके साथ? वो कई लोगों के साथ, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और उनकी उनकी जो एनर्जी है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। मुझसे मेरा ख्याल है 10 साल उम्र में बड़े होंगे अमिताभ बच्चन, उनसे मैं स्पर्धा करता हूँ, ईर्ष्या नहीं। आखिरी सवाल अब आपसे पूछकर हम आपसे इजाज़त लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप एक यूनिवर्सल अपील के एक्टर या उस प्रोफेशन में कदम रखना चाहते हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें जिनके साथ आपको लड़ के उसे ठीक करना होता है। आपके अपने साथ कोई ऐसी चीज़ जो आपके इस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में कहीं बाधा बन रही हो, चाहे आपका डिक्शन रहा हो, चाहे आपका आपका पर्सनालिटी कोई ट्रेट, कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ आपको बहुत जूझना पड़ा हो और उसे ठीक करना पड़ा हो? जूझना पड़ा था मुझे शुरू में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जब मैंने प्रवेश किया तो मैं 3-4 महीने बाद ही बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस किया मैंने, और मैं भाग जाना चाहता था वापस पंजाब। अलकाजी साहब ने ये भांपा कि ये, एक तो मैं बहुत खामोश रहता था, इंट्रोवर्ट था, तो उन्होंने, पढ़ाई में अच्छा था NSD की, लेकिन अंग्रेज़ी मेरे अड़े आ रही थी, मैं पंजाबी माध्यम से पढ़ा था और वहाँ इंग्लिश मीडियम था, तो क्लास में बहुत सारी चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती थी। अलकाई साहब ने एक सीनियर स्टूडेंट को मेरे पीछे लगा दिया कि पता करो ये, इसकी परेशानी क्या है, ये परेशान लगता है, और इसकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है, क्या है फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो उसने आराम से एक दिन बोला चलो चाय पीते हैं, करके सब पता किया, और मैंने कहा भैया ये अंग्रेज़ी जो है ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो उसने अलकाई साहब को बताया, अलकाई साहब ने मुझे बुलाया, बोले देखो अंग्रेज़ी सिर्फ एक भाषा है, तुम्हें पंजाबी आती है, हिंदी आती है, बहुत मुश्किल हुई क्या सीखने में? मैंने कहा जी नहीं। तो बोले अंग्रेज़ी सीखने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरे, क्लास में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बेतकल्लुफ़ पूछिए कि साहब ये मुझे समझ में नहीं आया, शर्माइए मत, एम्बेरस मत होइए। और उन्होंने कहा कि आप देखिए बाकी सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल हैं, चाहे सीन्स हैं, चाहे स्पीच है, चाहे योगा है, योगा में फर्स्ट आते हो आप, और इम्प्रोवाइजेशन है, मेकअप है, इन सब में आप बहुत अच्छे हो, सिर्फ आपका लिटरेचर थोड़ा कमज़ोर है बस, तो थोड़ा पढ़िए। और अंग्रेज़ी का जहाँ तक ताल्लुक है, आप अखबार लीजिए सुबह, आता ही है वहाँ, उसको ऊंचे ऊंचे पढ़िए, छोटा सा ट्रांजिस्टर ले आइए, अंग्रेज़ी की न्यूज़ सुनिए, दोस्तों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं दोस्त, उनको ध्यान से सुनिए, उनके साथ अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कीजिए, गलतियाँ होंगी वो करेक्ट करेंगे, कुछ नालायक हंस भी सकते हैं, उनको हंसने दो, तुम भी हंस दो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इन सब चीज़ों पे अमल किया, और फिर एक बार अलगाय साहब के साथ जब मैं सेकंड ईयर में पहुंचा तो कास्टिंग हो रही थी, और एक डायरेक्शन का कोर्स था, एक एक्टिंग का और एक स्टेज क्राफ्ट का, लेकिन जब प्रोडक्शन होती थी स्कूल की तो उसमें सब लोग शामिल होते थे, 3 साल के और हर डिपार्टमेंट के, और कोई अच्छा डायरेक्टर अच्छा एक्टर भी है तो उसको रोल भी मिलता था। तो एक प्ले था सूर्यमुख, उसकी कास्टिंग हो रही थी, और डायरेक्शन का एक स्टूडेंट था राजेंद्र जसपाल,
वो डायरेक्शन में था, उसको मेन रोल पढ़ने के लिए दिया जा रहा था और मुझे छोटा रोल पढ़ाया जा रहा था, मतलब बहुत छोटा नहीं लेकिन मेन रोल नहीं। तो मैं 3 दिन तक देखता रहा और अंदर से कुड़ता रहा। मैंने कहा यार हम एक्टिंग में हैं, वो डायरेक्शन में है, रहा नहीं गया। मैंने एक दिन क्लास में हिम्मत करके मैंने कहा अंग्रेज़ी में, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, तो सब पूरी क्लास जो है कि अलकाजी साहब को बोल रहा है एक्सक्यूज़ मी सर। तो उन्होंने बोला यस, आई सेड आई वांट टू से समथिंग। फिर वो और भी कंफ्यूज हो गया, इसको साले को मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए बोला, आई वांट टू से समथिंग। ही सेड से, आई सेड आई थिंक एक्टिंग स्टूडेंट्स शुड बी गिवन प्रेफरेंस, सो एंड सो इज अ डायरेक्शन स्टूडेंट एंड ही इज बीन रीडिंग द मेन पार्ट, आई थिंक वी शुड बी गिवन प्रेफरेंस। साइलेंस, मतलब अलकाई साहब ने मुझे घूरा, शायद अंदर से थोड़े खुश भी होंगे कि अंग्रेजी बोलने लगा है, और थोड़े स्टर्न भी हुए, और क्लास ने तो ये सोचा कि गुरु इसने शेर की गुफा में हाथ डाल दिया, अब ये गया। बहरहाल उन्होंने थोड़े गुस्से में कहा ओके यू रीड टुमारो। सब चले गए क्लास वाले, मैं बैठा हूँ कि मैंने सही किया या गलत किया। फिर मैं उठा, 5 मिनट बाद दरवाज़ा खोला, सामने नसीरुद्दीन शाह खड़े थे, आँखें मिली, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले आई न्यू यू विल स्पीक वन डे। उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हो गई और अगले दिन हमने वो रोल पढ़ा और अलकाजी साहब ने कहा यू विल डू प्रद्युमन, तो वो मेन रोल हमको मिला। बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। गुफ्तगू में आज बस इतना ही। हमारे साथ थे आज मशहूर अदाकार ओम पुरी। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com।